अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू निशा कबीर फॉर यू। चलिए चलते हैं दावत इफ्तार पर, जो कि इफ्तार है एक होटल पर। मैं अपने भाई और बेटे के साथ इफ्तार पर जा रही हूँ। यहाँ पर भाई सबसे कह रहे थे कि हम इफ्तार से पहले टाइम पर पहुँच जाए। हमने अपना सफ़र शुरू किया शारजा से, जो कि ओवर क्राउडेड इफ्तार से पहले होता है। शुक्र है आज नहीं था। मैं और कबीर बाहर का व्यू इन्जॉय करते हुए और बहुत सारी बातें करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहले पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। पर अरबिक डिशेस का बुफे लगा हुआ था। स्टार्टर से लेकर स्वीट तक हर चीज की अनलिमिटेड वैरायटी थी यहाँ पर। फिर मैंने लिए अपने लिए प्लेट और मैंने स्टार्ट किया डेट्स से। यहाँ पर बहुत सारे अरबिक स्वीट्स थे, जो कि इसका टेस्ट मुझे पता नहीं, तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया। मैंने अपने लिए और सबके लिए यहाँ पर कुछ डेट्स लिए। और यहाँ पर थे चार तरह के जूसेस, जिनमें से मैंने अपना फेवरेट रू अफ़ज़ा लिया। और फ्राइड आइटम टेस्ट किए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। इतनी सारी चीज़ें देखकर दिल और पेट ऐसे ही भर गया, तो हम लोग होटल को एक्सप्लोर करने निकल गए। डाइनिंग एरिया से निकलते ही बाहर पूल एरिया था, जहाँ पर कबीर ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बिर कर रहे थे एंजॉय, और मैंने और मेरी कोलिग ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मज़े किए, और कबीर यहाँ पर टायर्ड होके बैठ गए। फिर हम वापस आ गए डाइनिंग एरिया में और थोड़े से डेजर्ट टेस्ट किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। ये वाला डेजर्ट बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर हमारा डिनर कम्प्लीट हुआ। ये इफ्तार कंपनी को लेकर था, इंशाल्लाह मैं कंपनी के बारे में आपको बताऊँगी। फिर हमने और कलिग्स ने पिक्चर्स क्लिक की। फिर हमने यहाँ से ली एग्ज़िट और फिर हम बाहर आ गए। इस होटल में किया हमने इफ्तार। इस प्लीजेंट वेदर और अमेजिंग व्यू का हमने लिया मज़ा। और आजकल दुबई का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लीसेंट है, और हमें यहाँ से दिखा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा देखकर कबीर बार बार कह रहे थे, मम्मा हम बुर्ज खलीफा जा रहे क्या? पर हम बुर्ज खलीफा नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमें जाना था INB मॉल कंपनी के काम से। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी किस चीज़ की है, क्या है, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। और यहाँ पर कबीर जैसा ही देखे मिनी फाउंटेन्स, कबीर ने लिए उस व्यू के मज़े, और कबीर ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर। और बाहर मिनी वाटर फाउंटेन का व्यू एंजॉय किया कबीर ने, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया एंजॉय।
और यहाँ का नाइट व्यू, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मेस्मराइजिंग था, जो कि हमें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हमारी गाड़ी आ गई और हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। और हम नेक्स्ट कहाँ गए और हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये था मेरा दावत इफ्तार का व्लॉग। तो कैसा लगा आप सबको दावत इफ्तार का व्लॉग, ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैंने थोड़ा नाइट का व्यू शूट इसलिए किया कि आप सब भी इस व्यू के मज़े लीजिए। जितने कुछ यहाँ के मज़े करो, स्टिल मैंने इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस किया। हम कहीं पर भी रहे, अपनी कंट्री की बात ही कुछ और है। इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में बताइए। स्पेशली मैं अपनी कंट्री ज़्यादा मिस करती हूँ। अपनी कंट्री की रौनक, वहाँ की चमक धमक, वहाँ की गड़बड़, वहाँ के रोड रास्ते मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। टेक केयर एवरी वन। अल्लाह हाफिज़।